नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो कि सूरत से मिल रही है। सूरत में गैस लीकेज की वजह से प्रिंटिंग मिल के 4 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा कर्मचारियों की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक पास के नाले में एक अज्ञात टैंकर चालक जहरीला केमिकल डाल रहा था, इसी दौरान गैस लीक हुई और 4 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी लगातार आप तक पहुंचाएंगे। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। दिल्ली में 2 गुना रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 10,665 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। डराने वाली बात यह है कि 8 लोगों की मौत भी हुई है। राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर अब बढ़कर 11.88% तक पहुंच गई है और इन आंकड़ों ने दिल्ली सरकार की नींद उड़ा दी है और दिल्ली में कोरोना की ये 5वीं लहर घोषित कर दी गई है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस, डरने लगा है देश। दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर कितनी घातक है? क्या दिल्ली में आने वाली है ओमिक्रॉन की सुनामी? क्या संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगी है दिल्ली? क्या दिल्ली में कोरोना का खतरा रेड अलर्ट तक पहुंच गया है? देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का मीटर जिस स्पीड से घूम रहा है, हर किसी के होश उड़े हुए हैं। 20 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना के 91 केस थे, उसके बाद 3,000, 5,000 और 15 दिन में आंकड़ा सीधे 10,000 तक पहुंच गया है। और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने दावा कर दिया है कि देश में कोरोना की 3री लहर और दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। देश में 3री लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान सुनते ही दिमाग में कोरोना के अप्रैल वाला तांडव घूमने लगता है। जी हाँ, ऑक्सीजन के लिए तड़पते भटकते लोग, अस्पताल में भर्ती होने के लिए ठोकरे खाते लोग। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 20 अप्रैल 2021 को कोरोना पीक पर था। एक दिन में दिल्ली में 28,395 केस आए थे और फौरन दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। और आज दिल्ली में कोरोना के केस 10,665 तक पहुंच चुके हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। और अब फिर से कोरोना की रफ्तार दिन दोगुना बढ़ रही है। पिछले 17 दिन में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दिल्ली में जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, वो वाकई हाथ पांव फुलाने वाली है। दिल्ली में 20 दिसंबर को कोरोना के 91 केस थे, 28 दिसंबर को यह आंकड़ा 496 पहुंचा और 29 दिसंबर को 923, 30 दिसंबर को 1313 हो गया, 31 दिसंबर को 1796, 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194, 3 जनवरी को 4099 केस आए, 4 जनवरी को 5481 नए केस आए और 5 जनवरी को 10,000 केस पहुंचे तो होश ही फाकता हो गए। ये आंकड़े सिर्फ कोरोना से संभलने के लिए आगाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोरोना के अतीत का वो मंजर याद दिला रहे हैं जो बहुत ही भयंकर गुजरा है। आज कोरोना का आंकड़ा 10,000 को छू रहा है, कल और परसों पता नहीं अप्रैल में मची कोरोना वाली तबाही के आंकड़े को भी छू ले। इसकी गंभीरता दिल्ली सरकार भी समझ रही है और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी। तो अब हम आपको बता दें कि DDMA ने जो कोरोना के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का जो मानक तय किया है, उसके मुताबिक दिल्ली में कोरोना संकट आखिरी स्तर यानी लेवल 4 यानी रेड अलर्ट पर पहुंच गया है। जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी दिल्ली में कोरोना काबू करने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन हालात संकट वाले हैं। कोरोना से बचकर रहना हमारे और आपके लिए भी बहुत जरूरी है, वो इसलिए ताकि कोरोना से हालात
बदतर ना हो और किसी भी कीमत पर संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत ना आए, क्योंकि लॉकडाउन का संकट कोई मामूली संकट नहीं है। प्राइवेट ऑफिसेज में सिर्फ अब 50% कर्मचारी ही दफ्तर आ पाएंगे और सरकारी ऑफिसेज के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने का आदेश दे दिया गया है। यानी कि दिल्ली में पहले नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना के मामलों में दिल्ली में लगातार इजाफा हो रहा है। 22 अप्रैल 2021 को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 36% पहुंच गया था और आज दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 11.88% पहुंच गया है। 29 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 1.23% थी। 1 जनवरी को तो ये बढ़कर 3.64%, 2 जनवरी को 4.59% और 3 जनवरी को 6.46% और 4 जनवरी को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 8.37% पहुँच गया। दिल्ली में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन गनीमत यही है कि कोरोना के केस माइल्ड हैं और रिकवरी रेट अच्छा है। फिर भी सतर्कता बहुत जरूरी है। ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे हैं। ओमिक्रॉन में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, बहुत माइल्ड केसेस आ रहे हैं। हमने डेल्टा में देखा कि सारे पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता थी, सारे पेशेंट्स के ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स हो रहे थे। इसमें ओमिक्रॉन में ज्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं, परंतु हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि वो ग्रुप जिसमें कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि एल्डरली और कैंसर के पेशेंट, बट जो रिकवरी का रेट है ओमिक्रॉन में वो भी तेज है। इस वक्त डराने वाली बात ये भी है कि डॉक्टर भी पॉजिटिव हो रहे हैं। एम्स के कम से कम 50 डॉक्टर जबकि सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 38 डॉक्टरों समेत 45 स्वास्थ्य कर्मी पिछले कुछ दिनों में संक्रमित हुए हैं। इंदौरा अस्पताल के कम से कम 20 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, यानी अब ओमिक्रॉन सिर्फ विदेश से आने वाले लोगों में ही नहीं बल्कि आम पब्लिक में भी फैल रहा है और इसी वजह से दिल्ली में कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और अब आपको बताते हैं कि मुंबई में कोरोना का कितना भयंकर विस्फोट हुआ है। जी हाँ, मुंबई में 15,166 कोरोना केस सामने आए हैं। मंगलवार को मुंबई में 10,860 केस आए थे, यानी एक ही दिन में सीधे 5,000 केस बढ़ गए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई में कोरोना का आंकड़ा दूसरी लहर के पीक को भी पार कर गया, यानी दूसरी लहर में मुंबई में सबसे ज्यादा जितने केस आए थे आज वो पीछे छूट गए। हम आपको बता दें कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा था कि अगर मुंबई में 20,000 से ज्यादा केस आने शुरू हो जाएंगे तो उस दिन से मुंबई में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार ने महाराष्ट्र सरकार से लेकर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी हिला कर रख दिया है। कोरोना ने एक बार फिर से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर पर दस्तक दी है। कोरोना के चलते एक बार फिर से अमिताभ बच्चन परेशानी से जूझ रहे हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के घर का एक कर्मचारी कोविड पॉजिटिव निकला है। बिग बी के घर में कुल 31 स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिनमें से एक कर्मचारी को कोरोना निकला। अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा, घर में कोविड के हालात से गुजर रहा हूं और बाद में संपर्क साधूंगा। हम आपको बता दें कि 2020 में 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उन्हें मुंबई के विले पार्ले में नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके चार दिन बाद अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और नातिन आराध्या बच्चन को भी कोरोना हो गया था। उन्हें भी नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से अमिताभ बच्चन के दोनों बंगले प्रतीक्षा और जलसा में काम करने वाले लोगों को रूटीन कोरोना जांच कराई जाती है और तीसरी लहर में फिर से बच्चन के घर कोरोना की एंट्री हो गई है। मुंबई में कोरोना का कहर इस तरह से समझिए, शिवसेना के नेता संजय राउत का परिवार भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। संजय राउत की मां, पत्नी, बेटी और भतीजी को कोरोना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार में अब तक 10 से 15 मंत्री और 70 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा मुंबई में डॉक्टर्स के बीच भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। जेजे अस्पताल में 61 रेजिडेंसी डॉक्टर्स को भी कोरोना हुआ है। साइन अस्पताल में 50 डॉक्टर्स, केईएम अस्पताल के 40 डॉक्टर्स, नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
मुंबई में बेस्ट सेवा के 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, जबकि मुंबई में रोजाना 10,000 के पार कोरोना के केस पहुंच रहे हैं। आंकड़े दहशत पैदा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मुंबई में लॉकडाउन का दौर लौटने वाला है। महाराष्ट्र में मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक का दौर शुरू हो गया है। अभी जो संख्या आई है उसमें 25,000 भी अगर है तो भी करीबन 90% एसिम्प्टोमेटिक है। इसीलिए ये बहुत ही एक, मैं तो ये बोलूंगा कि जो थर्ड वेव का जो अंदेशा हमें लग रहा है उसका जो एसिम्प्टोमेटिक का प्रमाण है निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम होम क्वारंटीन पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, ज्यादा जोर लगा रहे हैं। मुंबई में पहले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन केस एकदम बढ़ना शुरू हो गए और उसके बाद कोरोना ने मुंबई को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस वक्त मुंबई में नाइट कर्फ्यू से लेकर लोगों को भीड़ भाड़ करने पर रोक लगा दी गई है। साथ में बच्चों की सुरक्षा के लिए नवी क्लास तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद भी कोरोना की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। 28 दिसंबर को 1,377 नए मामले थे। 29 दिसंबर को 2,510 नए केस हो गए। 30 दिसंबर को 3,671 केस। 31 दिसंबर को 5,631 केस। वहीं 1 जनवरी को 6,347 केस। 2 जनवरी को 8,063 और 4 जनवरी को 10,860 नए केस। इसी बीच मुंबई में कॉर्डिलियाई क्रूज पर भी फैले कोरोना संक्रमण को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 100 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। हम आपको बता दें कि गोवा से मुंबई पहुंचे कॉर्डिलिया क्रूज पर कुल 1,997 लोग सवार थे, जिनमें 1,408 यात्री और 589 क्रू मेंबर शामिल थे। लॉकडाउन जैसे हालात है, लेकिन 2000 लोग एक साथ आते हैं एक क्रूज शिप पर, जिसके बाद अब उस क्रूज शिप पर कोरोना विस्फोट हुआ है। 2000 से ज्यादा लोग मौजूद है, सबका आरटीपीसीआर टेस्ट बीएमसी ने किया। आज सवेरे तक आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, क्योंकि देखिए 2000 लोग है तो उसमें बहुत समय गया। लगातार अंदर से कोविड पेशेंट्स निकलते जा रहे हैं, तो आप देखिए ये कितना बड़ा कोरोना विस्फोट एक सिंगल जहाज पर हुआ है। ये कॉर्डिला क्रूज शिप जो एक लग्जरी क्रूज है। इस तरह मुंबई में कोरोना विस्फोट के चलते हालात विकट हैं। महाराष्ट्र में कोविड खतरनाक तरीके से फैल रहा है। मुंबई में आज 15,166 कोरोना केस मिले हैं। मुंबई में आज कोरोना के मामलों ने दूसरी लहर की पीक को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में दूसरी लहर के दौरान 4 अप्रैल को 11,206 कोरोना केस आए थे। इसके बावजूद भी मुंबई के बाजारों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीड़ खूब आ रही है। मुंबई में बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ कोविड रिस्पोर्ट को न्योता देते हुए नजर आ रही है। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में हम मौजूद हैं और यहां पर आप भीड़ देखिए। दोपहर का टाइम है, मगर लोग जो हैं भारी तादाद में यहां पहुंचते हैं, भारी तादाद में यहां शॉपिंग करने आते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी आप यहां देख सकते हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, जो कोरोना का नियम जो है कोरोना नियमों का पालन बिल्कुल करते हुए नजर नहीं आते हैं। ऐसे में सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से कोविड की जो रफ्तार है, जो भयानक रूप से भयावह रूप से बढ़ रही है, रफ्तार से फैल रही है, उसको किसी तरह रोका जाए। ऐसे में मुंबई से खबर ये भी है कि अगर यहाँ 20,000 के पार मामले पहुँचते हैं तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। साथ ही मुंबई में कोरोना 6 जनवरी से 13 जनवरी के बीच पीक पर पहुँच सकता है। पारस धामा के साथ सौरव वक्तानिया, मुंबई आज तक। यूपी और बिहार में भी कोरोना का कोहराम शुरू हो गया है। तीसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यूपी में पिछले 24 घंटों में 2,038 कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,659 केस आए हैं। बिहार के अंदर तीसरी लहर में कोरोना से पहली मौत भी हुई है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। यूपी में नए नियम 6 जनवरी यानी आज से लागू होंगे। नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियों के बीच अचानक से यूपी में कोरोना बम फूटा है। जी हाँ, यूपी में अब कोरोना के केस धड़ल्ले से आ रहे हैं। यूपी में पिछले 11 दिनों में कोरोना के मामलों में 26 गुना मरीजों की वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने यूपी में फैलते कोरोना के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को जिम्मेदार ठहराया है। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको रोकना चाहिए वही उसको फैला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की रैलियां देख लीजिए, कहीं आपको जनता के बीच प्रिकॉशन के साथ कोई रैली नहीं हो रही।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जज कोविड संक्रमित हो गए हैं। तीनों जजों के निवास वाले इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। हम आपको बता दें कि यूपी के 11 जिलों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है, जबकि यूपी के 73 जिलों में कोरोना के केस आ चुके हैं। सिर्फ 2 जिलों में अभी कोई एक्टिव मरीज नहीं है। बात बिहार की करें तो यहां भी कोरोना से हड़कंप मचा हुआ है। पटना के NMCH में 2 दिन के भीतर 168 डॉक्टरों और मेडिकल छात्र कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार के 4 मंत्री भी कोविड पॉजिटिव मिले। इनमें डिप्टी CM रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, एक्साइज मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी शामिल हैं।